अगेन जैसे लाइक ये बटरफ्लाई का जैसा लगता है, कॉर्नरिंग करने के लिए दिस बाइक इज रियली गुड। लाइक नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं सुजुकी जिक्सर 150 SF को। एंड रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा थैंक्स टू मोहसिन, अपना एक सब्सक्राइबर है जिसने बाइक लिया है और उसने बोला कि सर मैं लेके आता हूँ रिव्यू करने के लिए, तो आप इसका रिव्यू बना दो। तो मोहसिन से मैं आपको बाद में मिलवाता हूँ, पहले स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। एज ऑलवेज जैसे हम लोग रिव्यू स्टार्ट करने से पहले इसका प्राइस शेयर करते हैं, एग्जॉस्ट नोट चेक करते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दोनों प्राइस बता देता हूँ, एक्स शोरूम और साथ में ऑन रोड भी। तो एक्स शोरूम इसका प्राइस जाएगा आपको मुंबई के अंदर 130,000 के आसपास का, एंड ऑन रोड आप लेने जाओगे तो आपको पड़ेगा ये करीब करीब 1.5 लाख के आसपास। अभी यहाँ पर एग्जॉस्ट नोट इसका सुन लेते हैं एंड फिर स्टार्ट करते हैं रिव्यू। पहले जो मेरे पास जिक्सर था उसके मुकाबले बेस बहुत कम कर दिया है, तो लाइक अगर आप लोग सुन रहे हो, अभी एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट करने पे काफ़ी ज़्यादा बेसी है इसका एग्जॉस्ट। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का एनिमेशन मुझे ये पसंद आया था। सो ये फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एंड यहाँ पे आप लोग देख रहे हो गियर पोजीशन इंडिकेशन दिया है, साथ में यहाँ पे आपको मिल जाएगा टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, कितना पेट्रोल है, कितना किलोमीटर चला है एंड टाइम क्या हो रहा है। साथ में अगर आप यहाँ पे सेट करने जाओगे तो ट्रिप ए एंड ट्रिप टू मीटर मिल जाएगा। साथ में अभी आपको यहाँ पर बैटरी वोल्टेज का भी पता चल जाएगा, तो इतना सब चीज़ यहाँ पर मिलेगा। साथ में यहाँ पर आपको देखने मिलेगा सिग्नल इंडिकेशंस एंड इंजन मैल फंक्शन या ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पे लाइट्स है, यहाँ पे आपका हेडलाइट का है, अपर डिपर का साइन और यहाँ पे आपको ABS का साइन दिया, साथ में हेजर्ड का साइन भी दिया है। सो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ या कुछ हुआ तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ABS अभी ऑफ है, किन नहीं हुआ है तो वो लाइट चालू है। बाकी अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को बाइक के बारे में बता देता हूँ, बिल्ड क्वालिटी के बारे में यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। तो बिल्ड क्वालिटी इज़ रियली गुड, मतलब ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं लगा कि बहुत ख़राब है, फिट एंड फिनिश एकदम से सही है। एंड साथ में अब यहाँ पे स्विच क्वालिटी भी एकदम से प्रीमियम दिया है, सो लाइक दैट्स वेरी नाइस। मेरा जो जिक्सर था उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा है, लीवर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। साथ में सीट इसका यहाँ पे दोनों अलग है, स्प्लिट सीट है, तो पहले तो सीट पे बैठ के देख लेते हैं इज़ इट कम्फर्टेबल और नो। सो यस इट्स कम्फर्टेबल एंड जब आप बैठ के देखोगे तो लाइक हाइट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, मेरा हाइट है 5.10 एंड मेरे दोनों पैर आराम से नीचे लग रहे हैं। सो लाइक 5.5 फीट तक के आपका हाइट रहेगा तो यू कैन ईजिली राइड। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके इंजन का। सो ये है BS6 वाला इंजन, BS4 का रिव्यू भी मैंने किया था अगर आप लोगों को देखना रहेगा तो। ये है BS6 का इंजन, इसमें पावर BS4 से भी कम हो चुका है, यानी कि अभी यहाँ पे आपको पावर मिलेगा 13.4 BHP का एंड टॉर्क थोड़ा सा अच्छा है 13.8 BHP का। जब भी आप चलाओगे तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा। साथ में इस बाइक के अंदर दिए हैं 5 गियर्स, 1 डाउन 4 अप। सो एक और चीज़ अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दिया है 165 mm, मतलब मेरा पहला था 160 था, ये 165 mm का है। अब साथ में बाइक का वेट का बात कर लेते हैं, तो वेट है 149 kgs का। सो थोड़ा सा ज़्यादा वेट बढ़ गया है, मेरा 135 kg का सुजुकी जिक्सर था BS4 का। अब यहाँ पे फ्रंट साइड में आ जाते हैं एंड फ्रंट साइड में जैसे अगर मैं चालू करूँ तो आपको मिल जाएगा ये ब्यूटीफुल बहुत बड़ा हेडलाइट एंड जब आप इसको चालू करोगे, मतलब आपको सफ़र में चलाओगे, सो बहुत अच्छा थ्रो देता है ये रोड के ऊपर। एंड अभी यहाँ पे फ्रंट टायर का बात कर लेते हैं, तो फ्रंट टायर है इसका 100/80 17 इंच का है, आगे भी 17 इंच का है, पीछे भी। एंड साथ में आपको यहाँ पे ये डिस्क मिल जाएगा
विथ ABS, सिंगल चैनल ABS है इस बाइक के अंदर, ड्यूअल चैनल ABS नहीं है। सिग्नल इंडिकेटर्स अगेन वो हेलोजन है, पुराने सुजुकी जिक्सर के जो थे वो। एंड पीछे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा डबल बैरल एग्जॉस्ट, जो कि सुजुकी का पहले से साइन है। ये जो आपको पीछे का टायर मिल रहा है 140/60 का है, 17 इंच का। यहाँ पर भी आपको डिस्क मिल जाएगा, तो ड्यूअल चैनल आपको ड्यूअल ABS मिल जाएगा। पीछे यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये टेल लाइट, अगेन इट्स रियली गुड, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड यहाँ पर भी आपको हेलोजन मिल जाएंगे, टायर हगर के साथ आपको आ जाएगा, एंड दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे फ्यूल टैंक का बात कर लेते हो, फ्यूल टैंक है इसका 12 लीटर का। एंड माइलेज मैं आप लोगों को बता दूँ कि सिटी के अंदर आप चलाओगे एंड सही से चलाया तो माइलेज आपको आराम से 45-50 KMPL का मिल जाएगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है फ्रंट में एंड रियर में मोनो सस्पेंशन है। पिलियन के सीट के बारे में बात कर लेते हैं तो इट्स गुड, बट जैसे लाइक राइडर का सीट जितना कंफर्टेबल और सॉफ्ट है, पिलियन का थोड़ा सा हार्ड है। ग्रेब्रेल दिए है जो कि काफ़ी अच्छा अगेन एक और ऑप्शन है। ये तो सारा स्पेसिफिकेशन था, अभी टेस्ट राइड लेके आते हैं, देखते हैं ये कितना वर्थ है, कितना मज़ा आता है चलाने के लिए। एंड बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा, वाइब्स है कि नहीं, गियर्स किस तरीके से स्मूथली शिफ्ट होते हैं। एंड चलिए अभी सो लेट्स क्रैंक द इंजिन। हाँ एकदम स्मूथ स्टार्ट हुआ, ऐसा पता ही नहीं चला कि स्टार्ट हो रहा है। अरे क्लच प्रेस करना पड़ेगा, सुजुकी का एक यही चीज़ है, बिना क्लच प्रेस किए स्टार्ट नहीं होगा। क्लिप ऑन हैंडल बार्स दिए हैं, फर्स्ट गियर में शिफ्ट करते हैं एंड लेट्स सी। वाओ 150 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है पिकअप। गियर्स अगेन मुझे लगे थोड़े से हार्ड की ओर। ब्रेक के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेक अब भी जैसे मैंने सिर्फ ओनली फ्रंट ब्रेक प्रेस किया, इट्स रियली गुड। लाइक यहाँ पे देख रहे हो ABS किक इन नहीं हुआ, बट ओनली फ्रंट ब्रेक की वजह से भी बाइक काफ़ी जल्दी स्लो हो जाता है। रियर ब्रेक देख लेते हैं अभी, तो रियर ब्रेक से पहले पीछे देख लेते क्या है। ओके अभी मैंने रियर ब्रेक थोड़ा सा प्रेस किया था, कुछ इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, स्टिल लेट्स सी एक बार और देख लेते हैं। पीछे व्हीकल्स है तो अभी यहाँ पे प्रेस करके देखते हैं। अच्छा है, मतलब थोड़ा और बेटर हो सकता था बट स्टिल इट्स गुड। रियर ब्रेक में ऑलवेज सब जगह पे प्रॉब्लम होता है, सिंगल चैनल ABS के साथ है तो फ्रंट ब्रेक का बाइट तो एकदम झकास है, मतलब गाड़ी एकदम से आपको बता देगा कि हाँ भाई अभी स्टॉप होना है। वाइब्रेशन के बारे में चेक करते हैं, सो वाइब्स थोड़े थोड़े मुझे लग रहे हैं हाई RPM पे जब ये जाएंगे तभी। एंड बाइक एकदम से नया है, लाइक आप लोग देख रहे हो 200-300 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं। 5000 RPM के बाद आपको वाइब्रेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। सिटिंग पोजीशन इट्स रियली कंफर्टेबल, जब भी आप सिटी में भी चलाने वाले हो थोड़ा सा मतलब आगे की तरफ आप झुक के चलाते हो, बट ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा तकलीफ़ होने वाला है। अगर आप 5000 RPM के बाद गियर शिफ्ट कर दोगे तो आपको मज़ा आएगा, और अगर आप लोग लाइक थोड़ा सा 5000 के ऊपर जाओगे तो आपको वाइब्रेशन मिलेंगे। यस दैट्स द थिंग। अब यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। फ्रंट ब्रेक मुझे मस्त लगा, फ्रंट ब्रेक इज़ रियली गुड। गियर्स अगेन थोड़े से हार्ड है, बट इसका भी एक ऑप्शन है जो मैंने अभी जस्ट मोहसिन को बताया कि किस तरीके से कर सकते हैं। मिरर्स वाइड है, आपको पीछे का सब चीज़ दिख जाएगा। मैंने ये वाला मिरर थोड़ा सा ऊपर की ओर सेट किया है तो दिखाई नहीं दे रहा, हाँ बट अभी यहाँ पे मुझे मिरर्स दिखाई दे रहा है। अगेन जैसे लाइक ये बटरफ्लाई का जैसा लगता है, कॉर्नरिंग करने के लिए दिस बाइक इज़ रियली गुड। लाइक मैंने अपना कॉर्नरिंग भी सीखा था सुजुकी जिक्सर पे, एंड सेम कॉर्नर में मस्त पकड़ता है ये। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी अच्छा बड़ा दिया है तो आप लोग आराम से मतलब सब डिटेल्स चेक कर सकते हो, क्या चीज़ है क्या नहीं है, सब चीज़ सही से दिखता है, कौन से गियर पे है। एंड छोटा सा मतलब एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि थोड़ा सा जब आप स्लो कर देते हो लाइक जैसे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे इसको स्लो कर दूँगा तो पिकअप लेने के लिए ये थोड़ा सा रोने वाला काम करता है। मतलब देखो ऐसा पिकअप तुरंत नहीं पकड़ता, बट एक बार 3000 RPM के ऊपर पहुँच जाने के बाद काफ़ी अच्छा है। अभी सिटिंग पोजीशन तो मैंने बता दिया, सिटिंग कंफर्ट चेक कर लेते हैं थोड़ा सा खड्डे में से निकल के।
एक बार 3000 आरपीएम के ऊपर गया तो बाइक एकदम से पकड़ लेता, कॉर्नरिंग करने के लिए इट्स रियली गुड। सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, अभी तक ऐसा लगा नहीं कि लाइक इरिटेट हो रहा है बैठने के बाद। पीछे का सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड है बट कॉर्नरिंग करने के लिए आप लोगों को इसमें मज़ा आएगा। दोनों ब्रेक प्रेस करते हैं, वाव सही है सही है। पीछे का ब्रेक मतलब मेरा तो ये है राइडिंग एक्सपीरियंस जिसकी वजह से पीछे का ब्रेक स्लिप नहीं हुआ, लेकिन अगर थोड़ा सा और प्रेस करता तो स्लिप हो जाता। आगे का ब्रेक में एबीएस किकिंग नहीं हुआ एंड सही तरीके से बाइक रुक गया। सो इट्स रियली गुड, इट्स रियली वर्थ इट अगर आप लोग 150 सीसी की कैटेगरी के लिए जाने वाले हो। सो थोड़ा सा ओवर प्राइज ही है क्योंकि बाकी के सारे 150 सीसी के बाइक आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, बट स्टिल लाइक जो SF का जो लुक है एंड SF का जो पिकअप है एंड जो बोलते हैं ना कि जिक्सर सुजुकी का जो एक ट्रस्ट है, सो सुजुकी के हिसाब से मैं आपको बोलूँगा कि इट्स रियली गुड। स्टिल ये बाइक एक तरीके से बोलते हैं ना कि थोड़ा सा अंडर रेटेड भी है क्योंकि अगेन सेम चीज़ सुजुकी के बारे में कोई ज़्यादा जानता नहीं है, कोई ज़्यादा लाइक ये नहीं करता है। एंड अभी मैं आप लोगों को मिलाता हूँ मौसिन एंड कुणाल से। सो हियर ये है कुणाल, हाय कुणाल कैसे हो। एंड ये है मौसिन जिन्होंने नया बाइक लिया है, ये कॉन्ग्रेचुलेशन मौसिन एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस रिव्यू। सो गाइस अगर आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाकी अगर आप लोगों को इसके अलावा और कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट कर देना, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा आप लोगों को हेल्प करने के लिए। सो बाय बाय।